ठीक है। कौन सा तेजस्वी यादव लालू जी के बेटा, लालू जी का बेटा है। हाँ हाँ लालू जी के बेटा तेजस्वी यादव। जेल यात्री माननीय लालू प्रसाद के सुपुत्र माननीय तेजस्वी यादव का आचरण पिता जैसा। 2004 में ऐसा ही आरोप माननीय लालू प्रसाद जी झेले थे। बिहार में पंचायती आम निर्वाचन 2021 आदर्श आचार संहिता प्रभावित है और वहां वो पंचायती राज के प्रक्षेत्र बैकुंठपुर में लोक आस्था के महत्वपूर्ण पर्व तीज महिलाओं का, बहनों का, बेटियों का हम सम्मान से सर झुकाते हैं और उनके आंचल में चंद रूपये देकर कर करके आचार संहिता का तो उल्लंघन किया ही है, साथ ही साथ लोक मर्यादा के विपरीत आचरण भी पेश किया है। इसलिए हमारी उम्मीद है कि पंचायती राज प्राधिकार आदर्श उच्च आचार संहिता के मापदंडों के अनुरूप इस मामले को संज्ञान लें। जनता दल यू अज्ञानियों का बड़ा जमघट है पर पूरी तरह से घसक गया है, यह जनता दल यू के प्रवक्ता के बयान से स्पष्ट हो गया है। ककहरे का ज्ञान नहीं, चले चुनाव आयोग को पत्र लिखने। कैसे कैसे चट्टे बट्टे को पाल पोस करके आपने रखा है नीतीश जी, जिनको एबीसीडी का भी ज्ञान नहीं है। इन लोग को पढ़ाइए सिखाइए कि मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट कहां कहां कैसे कैसे बिहार में किन किन फेजों में लगा हुआ है। और ये कोई दल के आधार पर चुनाव नहीं है और ना ही एमपी एमएलए का चुनाव है। और जिस जगह कार्यक्रम थे वहां कोई आचार संहिता भी लागू नहीं थी। हम निर्मम नहीं हैं, हम असहाय को यूं ही छोड़ नहीं सकते। कोई मेरे पास दौड़ी हुई अपनी सहायता के लिए आए उसको दो पैसा मदद नहीं करें, यह हमारी मानवता नहीं इजाजत देती है। आपकी आपके पार्टी में जो संस्कार हो, आपके पार्टी सारे निर्ममता की सीमा को पार कर जाए, पीड़िता को असहाय को छोड़ दे मरने के लिए, पर राष्ट्रीय जनता दल पीड़ित और असहाय के लिए सदैव सीना ठोक के खड़ा रहता है। इतनी सी भी ज्ञान आपके छट्टे बट्टे को नहीं है। असल लिंग भिलिंग संस्कृति में इनका राजनीतिक परवरिश जो हुआ, एमएलए लिंगधिलिंग परेशान कर रहे हैं, कोई एमएलए स्टेज की शोभा बना रहे हैं बार बालाओं के साथ, तो उसी संस्कृति से ना निकले हैं लोग। कैसे कैसे तो कैसा कैसा बयान दे सकते हैं आप समझ सकते हैं। तेजस्वी यादव राष्ट्रीय जनता दल की परंपरा और विरासत के अनुसार काम कर रहे हैं। लालू जी जब शासन काल में थे उस वक्त से ही राष्ट्रीय जनता दल को नीति नैतिकता सिद्धांत से कोई मतलब नहीं है। संगठन विचारधारा के नाम पर राजनीति राष्ट्रीय जनता दल कर ही नहीं सकती है। निश्चित तौर पर यह एक परिवार की पार्टी है। अब आचार संहिता लागू है, पंचायत चुनाव की घोषणा हो चुकी है और तेजस्वी यादव मार्केट बनाने के लिए, बाजार बनाने के लिए, पैसे बांटने के लिए निकले हैं। और इन लोगों का काम है कि हवा पानी बना करके चुनाव के लिए बाजार बनाना। और जब भी विधानसभा चुनाव आता है आप सभी को पता है ये पार्टी टिकट बेचती है, बोली लगाती है, ऊंचे दाम पर जो बोली लगाता है उसको टिकट देती है। तो यह तो अपने आप में तेजस्वी यादव जी अगर नेता बनने की ओर अग्रसर है तो उनको कम से कम आचार संहिता का ख्याल होना चाहिए।